birthday to you. Happy birthday, dear Professor. Happy birthday to you. वाला कैमरा 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 पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। स्पोर्ट दादा पानी लेके खड़े रहो, खाना आ गया सर, खाना आ गया भैया, खड़े रहो। भूल गए तुम, ये बाबू बाबू हाथ भूल गए ना, कृष्णा जी सब देखिए आइए आइए भैया, कैसा लग रहा है मक्खियां भी मुंह पर बैठ के खाएंगी? अभी बॉबी जी के फेस पे बैठ के मक्खियां केक खाएंगी ना, बहुत सारी है। मक्खियों का लंच आजकल बॉबी जी के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए डायरेक्टर होते हैं सब लोग, लेकिन ऊपर वाला जो होता है ना, फितरत होती है, एक अच्छा सा व्यक्तित्व तो होता है, बहुमुखी प्रतिभा होती है, तो ऐसे इंसान हैं हमारे बॉबी जी। और आज उनका जन्मदिन है, जिसके लिए पूरी यूनिट की तरफ से, सबकी तरफ से उनको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, शतायु हों, दीर्घायु हों। और साथ ही साथ मैं बॉबी जी के लिए यही कहना चाहूँगी कि इनकी मेहनत जो है कि अपने आप में एक अलग है। जैसे इन्होंने कहा ना कि मैंने 15 साल तक मैं स्टॉप हो गया, उसके बाद में फिर से राइज हुआ, फिर से मैंने काम किया, तो उसमें जो हो जाता है कि इनकी जो मेहनत देख के हम यही कहेंगे अपनी इस फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए कि जो 13 साल के बाद जो सूरज निकला है, कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं। क्या बात, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, सूरज कभी रोशनी के मोहताज नहीं। क्या बात है, मैं बाबू साहब को पिछले 20 साल से जानता हूँ, इन्होंने जब दामाद जी बनाई थी, मंगलसूत्र बनाई थी, हालांकि इन्होंने मुझे लिया नहीं अपनी फिल्मों में, लेकिन मैंने छोड़ दिया, इंडस्ट्री छोड़ दिया, और ये लाने वाले वापस जो ना, मैं ये मेरे लिए सच में इंडस्ट्री के लिए बहुत है, एक अच्छी खबर है कि बॉबी सिंह वापस आ रहे हैं, और इसके लिए श्रेय जाता है विवेक जी को, आकांक्षा जी को, लॉकडाउन नहीं लगता तो और पहले आ जाते वापस। तो ये भोजपुरी बड़ी बहुत अच्छी खबर है, और बहुत बड़ी फिल्म बनाई थी इन्होंने मंगलसूत्र, आई थिंक मनोज जी का और इंडस्ट्री का जो वो इकोनॉमिकल जो एक वो हुआ था, वो इन्हीं की देन है, आज जो हीरो इतना पैसा ले रहे हैं उसमें बॉबी सिंह का बहुत बड़ा हाथ है, अभी मिल लेगी इतना पैसा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि अब वो रुकेंगे, रहेंगे, टिकेंगे और करेंगे 100%। अरे बस भाई, बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सर का आशीर्वाद मुझे मिले, मैं भी इनके साथ काम करूँ, और आज इनका जन्मदिन है, तो सर प्लीज़ विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरी तरफ से तो दिल खोल के टाइट हक के साथ बॉबी जी को हैप्पी वाला बर्थडे, और अभी मैं इनका केक काटूंगी, और इसीलिए इनको लखनऊ लेके आई हूँ, भाई बॉम्बे बैठे हुए थे, हमने कहा पिक्चर शुरू हो रही है, बॉबी जी ने स्टार्ट करी थी, तो आज इसी पे इनका बर्थडे सेलिब्रेट होगा, तभी आगे पिक्चर बढ़ेगी। क्यों राकेश जी, पिक्चर आगे और यहाँ पे दबंग बहुरिया का एक और उदाहरण, जन्मदिन बॉबी जी का है और दबंग बहुरिया कह रही है कि केक हम काटेंगे, मैं काटूंगा। ये है एग्जांपल, देखिए हमारी फिल्म दबंग बहुरिया का छोटा सा आपके सामने
बॉबी जी का केक मैं काटूंगी। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बॉबी जी के लिए। लगाइए मेरी हमेशा से बॉबी जी के लिए कला की रहती है। मैं मतलब बहुत करीब और मैं माता रानी से यही दुआ करूंगा कि जो डिसीजन इन्होंने लिया है वापस फिल्म इंडस्ट्री में आने का और काम करने का उसमें टिके रहे और दोनों साथ में आगे तक काम करें। और जो पहला दौर इनका रहा है उससे कई कई गुना बढ़ के सेकेंड दौर में सफलता है। सबसे अच्छा यही लगा आज उनका बर्थडे है केक मैं काटूंगी। और बहुत सारी फिल्में बनाए और हम सबको काम दिया है। मुझे तो सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट लिखो और बाद में तुम्हें डायरेक्ट कर दो। मुझे इनका प्यार मिलता रहे तो ये हजारों साल तक इतने 100 सालों तक मस्त रहे। खुश रहे। सही हाथों में सत्ता सौंपी है। वहाँ पे बैठे हुए सिर्फ यही देख रहा था कि क्या शॉट है। मैम आप इंटरनेशनल एक्ट्रेस हैं, आप देश विदेश में धमाल मचा के रहती हैं, सरकारी से लेकर फिल्मों तक हर जगह आप जो है अपना छलक बिखेरते हैं, क्या कहना चाहेंगे दबंग मूवी के बारे में? सबसे पहले तो हमारे ये कार्यक्रम जो सभी लोग देख रहे हैं सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार हमारी पूरी यूनिट की तरफ से, ना कि केवल अनीता की तरफ से। और सबसे पहले तो हमारा ये जो भोजपुरी जो टीम है वो सबको ही जानता है कि कैसी कहानी होती है, कैसे गाने होते हैं, कैसी सिचुएशन होती है, कैसे उसकी पूरी कास्टिंग होती है। लेकिन हमारे भोजपुरी के उस मंच पे कभी भी समाज को एक नई दिशा देने वाली कहानी देखने को नहीं मिलती। तो हमारी ये जो कहानी है जब हॉल से हमारे दर्शक देख के बाहर निकलेंगे तो वो मन में तो ज़रूर एक बात ये सोचेंगे कि शायद हमारे भोजपुरी ने देर आए दुरुस्त वाली जो कहावत है वो चरितार्थ की हमारी इस फिल्म ने। क्योंकि जब वो देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ आज समाज में हमारी लड़कियों की वो स्थिति मजबूत होती जा रही है लेकिन हमारा भोजपुरी समाज उससे वंचित था। किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होती है ना, नेतृत्व करना ही होता है, आगे आना ही होता है। तो ये जो काम किया है उसका श्रेय जाता है हमारी इस फिल्म को, उनके प्रोड्यूसर को, उनके हमारी अभिनेत्री जी को, सारी पूरी टीम को जाता है कि उस सब्जेक्ट को उन्होंने इतनी बखूबी सोचा। राकेश जी ने उस पर अपनी कलम चलाई, सबने अपने अपने दिल की बात कही। तो ये जैसे कि राकेश जी ने कहा कि हम लीक पे ही कहानी बना रहे हैं, जी हाँ ये लीक की ही है, हर घर की एक कहानी है। लेकिन उस कहानी में ये होता है कि बेटी हमारी आगे जाए लेकिन नहीं हिम्मत है किसी की। और ख़ास करके जब बाहर से आप अपने बेटे की दुल्हन लेके आते हैं, बहुरिया लेके आते हैं, तो उसके लिए आज भी गांव में ये कहा जाता है कि उसकी बहुरिया आई है दहलीज से पैर बाहर ना निकाल ले, भले वो कितनी बड़ी हो, कितनी समझदार हो, कितनी टैलेंटेड हो। आज की 21वीं सदी में वो मोबाइल चला लेती हो, लैपटॉप चला लेती हो, लेकिन आज भी हमारा गाँव जो कि कहा जाता है कि भारत हमारा 90% गाँव में ही रहता है, तो गांव से हमारी कनेक्टेड है हमारी ये भोजपुरी, भोजपुरी से कनेक्टेड है हमारा ये समाज, समाज से कनेक्टेड है हमारी वो बेटी। तो इसलिए मैं हैट्स ऑफ कहूँगी इन लोगों को कि इन लोगों ने ये सब्जेक्ट चुना जिससे कि आज हमारे उस भोजपुरी के हर एक परिवार में वो दिया जलने वाला है, जिससे कि हमारी उस लड़की को, उसके माँ बाप को, उसके परिवार को, खास करके जब बेटे की दुल्हन आएगी सास ससुर को वो रोशनी मिलेगी जिससे कि उनका परिवार, उनका समाज पूरी तरह से आलोक। क्या बात है दबंग बहुरिया आकांक्षा। देखिए दबंग बहुरिया इज इक्वल टू आप आकांक्षा जी क्यों बोल रहे हैं?
वो तो सोच हर एक लड़की की ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है आकांक्षा जी में तो ये तो हम सभी को मानना पड़ेगा। किसी की फितरत होती है, किसी की सोच होती है, किसी की काम करने का तरीका ही वही होता है कि जो हम अपनी ओरिजिनल लाइफ में हैं वही हम स्क्रीन पे भी हैं। रील और रियल इक्वल टू आकांक्षा अवस्था, थैंक यू सो मच, इक्वल टू द दबंग बहुलिया, थैंक यू। तो इसलिए बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और हम पूरी टीम की तरफ से पूरे समाज को ये कहेंगे, सिर्फ भोजपुरी समाज को नहीं, हिंदी समाज को भी कहेंगे, क्योंकि आप भी भोजपुरी से जाके मिलते हैं, बात करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके महोत्सव में जाते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मुँह से ये ज़रूर निकलेगा कि आज हमने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी जिसके पीछे हमारा भोजपुरी समाज था। आज हम भी लोगों के साथ कदम से कदम मिला के ये कह सकते हैं कि लड़की ही नहीं, हमारे घर की बहुरिया भी दबंग। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मतलब ये नाम ही अपने आप में बड़ा यूनिक है। मुझे ऐसा लगता है कि राकेश जी, जिनके साथ तो काम कर चुका हूँ मैं, आकांक्षा जी के साथ भी दबंग सरकार हमने की थी, और अब दबंग बहुरिया कर रहे हैं, दबंग बहुरिया दोनों सुपर हिट होने वाली है, वो तो हो चुकी अभी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है बहुत एक अच्छी फिल्म है, और मैं अपने किरदार को लेकर भी काफी खुश हूँ। बड़ा, अरे हमने तीन मूवी करी है, जय हिंद भी करी है जिसमें मेरे आपके सारे सीन्स होते थे। जय हिंद हमारी तीसरी फिल्म है, ये राकेश जी के साथ एज अ डायरेक्टर सेकंड मूवी है। हाँ, तो एक अच्छी टीम है और अच्छी फिल्म की पूरी शुरुआत हुई आज से, और मुझे लगता है कि भोजपुरी में बहुत एक प्लस होकर चीज़ें मिलेंगी इस फिल्म के जरिए। अनीता जी हैं, उनके साथ ही बहुत सारी फिल्में हुई हैं, तो एक अच्छी टीम है कुल मिलाकर, और अच्छी शुरुआत है। कभी आप जवान बनते हैं, आज एकदम सत्ता। हाँ, वो तो इन लोग बनाते रहते हैं, जब मैं 28 साल का था तब से मेरे को बूढ़ा बनाए हैं इन लोग। दबंग बहुरिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दौर में महिला सशक्तिकरण की हम जहाँ बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, वहाँ ऐसे सिनेमा की, ऐसी फिल्मों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है, जो उस तरफ एक अग्रसर हो और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सही काम करें। तो मुझे लग रहा है ये फिल्म बहुत प्लस होगी उस तरफ। आकांक्षा जी, आपने जब शुरुआत किया दबंग से, और आज भी आप दबंग ही करने जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है दबंग नाम मुझे बड़ा सूट होता है, क्योंकि जब मैंने दबंग सरकार करी तो मुझे लोगों ने टाइटल दे दिया दबंगल, तो मुझे लगता है कि ये टाइटल बहुत सूट करता है मुझ पर, दबंग बहुरिया। और मैं ऐसा कुछ काम भी इसमें कर ही रही हूँ, और आई विश कि लोगों की जो दर्शक जो चाहते हैं मुझसे, मैं उनको कुछ अलग हटके दे पाऊँ और अपनी फुल दबंगई इसमें दिखा पाऊँ, तो मैं फुल ऑन ट्राई करने वाली हूँ, फुल ऑन एक्शन एक्शन। क्यों राकेश जी, लुक काफी डिफरेंट, बताना चाहिए क्या किरदार? तो जैसी उसकी जिंदगी है वैसे वो जीते हुए चलेगी। काफ़ी सारे से लुक हैं, काफ़ी सारी सी चीज़ें हैं, काफ़ी चेंजेस है इसमें, एंड मैं बोल सकती हूँ मुझे इस रोल में बहुत कुछ करने को मिलेगा, चाहे वो मेरी पागलपंती हो, मेरा मस्ती हो, चाहे मेरा गुस्सा हो, चाहे मेरा रोना हो, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए एक वर्सेटाइल मूवी होगी जो मुझे फुल ऑन पैकेज के साथ मिली हुई है। डायरेक्टर साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रोड्यूसर साहब के बारे में? अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब के बारे में यही बोलूंगी, बस फाइनेंस निकलना चाहिए, हमारी पिक्चर कंप्लीट होनी चाहिए, और क्या चाहिए हमें। और रहा हमारे राइटर साहब, आप लोगों ने तो सुना होगा कितने मतलब इतने सॉलिड इन्होंने डायलॉग दिए हुए हैं, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, पहले तो ये बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने पवन सिंह जी के भी इतने सॉलिड डायलॉग लिखे हुए हैं, मूड बनने में टाइम लगता है, आई गेस सबसे हिट रहा है वो तो, और इस पिक्चर को तो इन्होंने लिखा भी है और डायरेक्ट भी करने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, तो मुझे लगता है ये तो कुछ और ज्यादा बवाल होने वाली है, ये पिक्चर फुल ऑन दबंगई करेगी, हर मूवी पूरी मूवी फील्ड में दबंगई करने वाली है। जी, जैसा संजय भैया ने अभी कहा था फिल्म के बारे में कि महिला सशक्तिकरण की बातें बहुत हो रही है, लेकिन क्या बातें करने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है? नहीं। औरत ममता की देवी है, त्याग की प्रतिमूर्ति है, समर्पण की ये, अरे लेकिन औरत शक्ति भी है, और औरत की शक्ति को शायद पुरुष प्रधान समाज भूलता गया और दबाता गया, पता नहीं बला बला क्या क्या औरतों के साथ होता गया। भैया शक्ति है, ऊर्जा का स्रोत वहीं से है,
सारी सृष्टि का सृजन वहीं से होता है। तो हमारी जो दबंग बहुरिया है वो इस पुरुष सतात्मक समाज को खड़ी होकर दिखाएगी कि नहीं, महिला महिला, मैं शक्ति हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ। तो पिक्चर हमारी ये कहेगी दबंग बहुरिया पूरी दबंगई के साथ। इनका चयन कैसे किया आपने? ये आकांक्षा जी, सबसे पहले तो ये फिल्म बॉबी सर हैं हमारे सीनियर और सौभाग्य हम लोग का कि हम लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये फिल्म बॉबी सर करने वाले थे तो मुझसे कहानी मांगी गई कि भाई कहानी लेके आ। तो कहानी दिया मैंने, कहानी दिया दबंग लड़की का कि दबंग होगी। और आकांक्षा जी है भाई, जब टाइटल ही लगा हुआ दबंग सरकार, दबंग का टाइटल ही लेके आई इस इंडस्ट्री में। तो आकांक्षा जी मिली, बड़ा मज़ेदार चालू हुआ इसका सिलसिला, इसका सफ़र। विवेक भाई मिले थोड़े दिनों के बाद, पता नहीं बॉबी जी को क्या प्यार आया, छोटे भाई पे दया आई कि बॉबी जी ने कहा भाई कहानी जब तुम लिखे हो तो तुम बना भी लो। इसीलिए राकेश जी पिक्चर तब शुरू कर रहे हैं जब आज बॉबी जी का बर्थडे है, तो आज 5 जुलाई को इनका मुहूर्त कर रहे हैं। इसके लिए आज का दिन चुना ही गया था कि आज सर का बर्थडे है और एक छोटा तोहफा। तो बाबी जी आपको ये बर्थडे गिफ्ट दिया गया है पूरी टीम की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक्चुअली राकेश जो है ना, ये हमारा छोटा भाई है और शुरू से ही ये और इसकी वाइफ दोनों बहुत करीब है हमारे साथ, मतलब शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही हमारे साथ में है। और सारी फिल्में लगता है पहली फिल्म भी हमारे साथ में तुमने स्टार्ट की। हाँ, सर, पहली भी फिल्म जो ना राइटर भी, पहली फिल्म मैंने सर के साथ ही स्टार्ट की। और ये जो दबंग टाइटल है और जो दबंग स्टोरी है, किसी न किसी औरत से इंस्पायर होकर ये स्टोरी आइडिया आया होगा। तो इसके जो आइडिया देने वाले हैं ये है हमारे प्रोड्यूसर साहब। वन लाइन इन्होंने दिया है पूरी पिक्चर का फाइनेंस के साथ साथ, क्योंकि इनको पता है कि बहुत ज्यादा है तो दबंग होगी। अपना प्यार दिया इन्होंने और दबंग, क्योंकि जैसे ही इनके घर में बहू आई तो मालूम पड़ गया कि बहू जो है दबंग होती है। इन्होंने उसी से लगता है कि इंस्पायर होकर इन्होंने आइडिया दिया और वो फिर राकेश। लेकिन राम कवाल में बताऊं, मैं तो आकांक्षा जी के साथ फर्स्ट शॉट अभी पहला सीन कर रहा था यार, अद्भुत आर्टिस्ट है। थैंक यू, है ना संजय? थैंक यू, मतलब कमाल का एक सदा हुआ परफॉर्मेंस, एक सेटिक परफॉर्मेंस। जो दबंगई चाहिए थी दबंग बहुरिया को, एक सीन करके उन्होंने दिखाया कि नहीं मैं तो दबंग हूँ। और ये हमारे हीरो निसार, हीरो तो निसार जैसा देख ही रहे, निसार निसार है, कमाल का एक्टर, कमाल का डांसर, कमाल का फाइटर और बॉडी सर्जी डोले सोरे। अरे हीरो, हीरो मतलब जो हीरो को फुलफिल करने वाले जितने इवेंट है सब निसार में है। हीरो कहते हैं जो एक इमेज बनती है, एक इमेज बनती है कि हीरो मतलब ऐसा होना चाहिए, हीरो मतलब राजेश खन्ना टाइप का कोई खूबसूरत सा। तो निसार में सारी क्वालिटी है, बाकी संजय भैया तो अभिभावक हैं और हमारी अनीता मैम, उनको तो सभी जानते हैं। तो बाकी असली असली हीरो राम पिक्चर के इधर हैं, जो हीरो बोल रही है पिक्चर का असली हीरो है, ये है तो फिर पिक्चर है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अच्छे सिनेमा की पहल इन्होंने की और आज हम सब साथ काम कर रहे हैं। ये आकांक्षा जी और विवेक जी दोनों ने जिस तरह की फिल्में बनाने चाहिए कि भाई वैसी फिल्में बनाए, तो अभी 2-3 और फिल्में बना रहे हैं। और भी आ रही है हमारी प्रोडक्शन हाउस की पिक्चरें, मेरे पापा आ रही है, मंगल सूत्र आ रही है, दबंग बहुरिया आ रही है और इसके बाद हम बहुत जल्दी अम्बा के लिए भी जाने वाले हैं। उसमें मतलब एक मेरे पापा में जो बेटी का रोल यही प्ले कर रही है, मेन रोल, मतलब मैं क्या बोलूं, जब इन्होंने एक शॉट दिया तो शॉट देने के बाद जो है मैं सीन नेक्स्ट शॉट समझाने गया तो मालूम पड़ा कि मैं भी रो रहा था। पलट के देखा तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे जितने भी टेक्नीशियन हैं सारे रो रहे थे। कैमरामैन मुझसे पूछ रहा, अरे क्या हुआ बॉबी, तू ऐसा क्यों हो गया? हम बोले सर आप क्या कर रहे हो? तो मालूम पड़ा वो भी आंसू पूछ रहे, तो समझ सकते हैं किस तरह के एक्टर। थैंक यू। फिलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो प्रोडक्शन हाउस से मैं अपने जो पिक्चरें लेकर के आ रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वुमेन ओरिएंटेड पिक्चरें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी फिल्मों का जो हीरो है वो हमारी फिल्मों का सिर्फ स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे अच्छे एक्टर लोग मिल के अब कुछ परफॉर्मेंस वाइज करते हैं, ना कि हम सिर्फ स्टार में जाते हैं कि ये है तो पिक्चर चलेगी। हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि सब अपना 100% दे और चीज़ें आगे बढ़े, नए लोग हों, सीनियर लोग हों, सबके साथ जो बेटर परफॉर्मर होगा हम उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है सर। इसमें प्रोड्यूसर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बोलना जरूरी है।
एक्चुअली जब पहली स्टोरी मैं बॉबी जी के साथ डिस्कस कर रहा था तो उस टाइम अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुने थे मैंने, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो जो भेड़ चाल चल रही आ रही थी भोजपुरी में वही स्टोरी सुनने को मिलती थी, और मैं कुछ अलग करना चाहता था। पहले मैं ये बता दूँ, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, बट चूँकि अब हो गया ऐसी टीम मिली हो गया मुझे भी एक हौसला मिला कि कुछ अलग करते हैं। तो मैंने बॉबी जी से और राकेश जी से डिस्कस किया कि फिल्में करें, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में करें जो ऑडियंस हमारी थिएटर से जा चुकी है उसको वापस लाने का काम अगर कर पाए तो करें। तो ऐसी ऐसी स्टोरी बॉबी जी ने दी, मेरे पापा मंगलसूत्र, राकेश जी ने दी दबंग बहोरिया अम्बा, और भी फिल्में हैं जो हमारी लाइनअप है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे जो भी फिल्म करें साफ सुथरी हो, घरेलू पारिवारिक फिल्म हो, जिसको हम अपनी बहन बीवी बेटी माँ के साथ बैठ के देख सकें। तो यही कोशिश के साथ एक अच्छी टीम के साथ आगे बढ़े, देखते हैं कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं। उनके लिए तो आप सबकी विशेष चाहिए ढेर सारी। तो सर बात करें दबंग बहुरिया का, आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से आइडिया कहाँ से आया? दबंग घर जो कि दबंग बहुरिया बन के आई हुई है हमारे घर में, तो कुछ चीजें थी जो देखा हमने इनकी, जो एक दबंग घर की खूबी होती है ये घर में भी बहू के तौर पे नहीं है, एक वही बेटी दबंग जैसे बेटी एक अपने माँ बाप से हक से कोई चीज़ बोलती है और करवाती है, दबंग ही दिखाती है वो ये अपने सास ससुर के साथ भी कंटिन्यू रखती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा कैरेक्टर का कुछ किया जाए, तो मैंने डिस्कस किया राकेश जी से, और मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा स्टोरी इन्होंने मुझे सुनाया उस वन लाइन पर, मैं डिसाइड कर दिया कि इस पे तो चाहे हाथ पर जोड़ के ही बनाना पड़े लेकिन करवाऊंगा ही नहीं से। कुछ मैसेज भी जाने वाला ऑडियंस क्या फुल एंटरटेनिंग फिल्म है? 100% आप इस फिल्म को देखिए, हम तो ये नहीं कहेंगे, हर मेकर कहता है कि भाई हम बड़ा लीक से अलग हट के फिल्म बना रहे, हम लीक से अलग हट कर नहीं बना रहे, हम लीक पे ही फिल्म बनाए, बस एक बार थिएटर में जाके देखिए कि फुल एंटरटेनमेंट, फुल इमोशन, सोशल मैसेज, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ 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 ऐसी फिल्मों को अपना ढेर सारा प्यार दर्शकों के तरफ से मिले, जनता के तरफ से मिले, आप मीडिया बंधु के तरफ से मिले, ताकि ऐसी फिल्मों और भी बने, लोग और भी प्रयास करें, फिर कंटेंट बेस्ड फिल्मों का एक सिलसिला एक दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो जितने मेरे दर्शक हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और हमारे जितने भी जैसे बड़े भैया हो गए संजय जी राकेश जी सब ने बता दिया। मेरा फिल्म करने का दो उद्देश्य है, एक तो फिल्म जैसे कि जो पुरुष प्रधान समाज हमारा है जहाँ महिलाओं को दबाया जाता है, वहाँ पे वो नारी कैसे अपनी शक्ति का प्रयोग करके आगे जाती है वो आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा जो भोजपुरी की आज स्थिति है फिल्मों को लेके कि एक एक ही ट्रेंड पे जो फिल्में बन रही है या जो भी स्टोरी वही जैसी पिटी चल रही वो सबसे थोड़ा सा अलग, तो उम्मीद करते हैं कि दर्शक हमको प्यार दें और हम आप लोग का पूरा एंटरटेनमेंट करें। बाबू जी हमसे बहुत परेशान थे तो हमने दे दिया इनको एक दबंग। फिल्म बहुत अच्छी, अभी तो आज हमारा पहला दिन है शूट का, बहुत अच्छा सब, पूरी यूनिट बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत कर रही है, सीनियर कलाकार जिस फ्रेम में खड़े हो जाते हैं वहाँ हम लोग ऐसे भी नहीं दिखते, तो मजा बहुत आने वाला है। कोई भी सीन किसी एक व्यक्ति या उससे नहीं होता, जब तक पूरी टीम और पूरे एक्टर उसमें अपना सबका इन्वॉल्वमेंट हो। बहुत अच्छे हैं, एक बार में पेमेंट दे दिया, अच्छे से फैसिलिटी दी है, बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, बहुत अच्छा नेचर भी बहुत अच्छा है, एकदम भाई जैसे हैं। तो और हम तो दुआ करेंगे कि फिल्म बहुत अच्छी चले ताकि हम लोग का रिलेशन अच्छा रहे आगे। थैंक यू।